नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। अगर कभी आपको कोई जहरीला कीड़ा काट ले, घर में ततैया, मधुमक्खी या कोई भी जहरीली चीज आपको यदि काट ले तो आप क्या करें? देखिए, बहुत सारे उपाय हैं, तो कुछ जो इफेक्टिव उपाय हैं उस पर मैं आज आपको कुछ बताऊंगा। सबसे पहले, अगर कोई जहरीला जंतु काट ले तो आपके घर में सबके तुलसी रहती है, तो तुलसी के पत्ते आप लगभग 11 पत्ते आप थोड़ा मसल लीजिए और उनको पानी के साथ खा जाइए। चबाना नहीं है, रोल करके आप खा जाइए। ऊपर से आप जितना हो सके उतना पानी पी लीजिए, 5 गिलास, 6 गिलास, 7 गिलास, जितना हो सके, लेकिन इतना ही पिए जितना आप पी सकें। ऐसा ना हो कि आपको वॉमिटिंग हो जाए। अधिकतम ग्लास जितने आप पी सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उतना ही पानी पिए, लेकिन जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आप देखेंगे कि आपको कोई पीड़ा नहीं होगी, स्वेलिंग नहीं आएगी। अगर किसी मधुमक्खी ने काट लिया, ततैये ने काट लिया, तो स्वेलिंग नहीं आएगी अगर आप पानी पी लेते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, तुलसी के पत्तों को ही आप उसी जगह पर जहाँ काटता है उसी जगह पर आप रगड़ लीजिए, लगभग 10 मिनट तक उसको रगड़ते रहें, तो ये आप तुलसी से उपाय कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास सफ़ेद प्याज का रस भी किसी भी जहर को निकाल देता है। अगर कोई भी जहरीली वस्तु काट लेती है तो आप सफ़ेद प्याज के रस को लगा लीजिए, या सफ़ेद प्याज को काट के उसको घिसते रहें लगभग 15 से 20 मिनट तक, उस काटने वाले स्थान पर उसको घिसते रहें, मसाज करते रहें, तो आप देखेंगे आपको स्वेलिंग नहीं आएगी, आपको पीड़ा नहीं होगी। अगर फिर भी आप थोड़ा लेट हो जाते हैं इन उपायों को करने से, तो आप क्या करें, अगर स्वेलिंग आ जाए तो आप आइस लें, आपके पास फ्रीजर में आइस होगी, तो आप आइस की पोटली बनाएं और उस जगह पर सेक करें, तो आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। शाम के समय उसको थोड़ा नमक का पानी और हल्दी के पानी में गुनगुना पानी से उसकी झराई कर लो उस वाले, अगर स्वेलिंग आ जाए। अगर आपने जो मैंने उपाय बताए इनको आपने तुरंत कर लिया तो आपको स्वेलिंग नहीं आएगी, आपको पीड़ा नहीं होगी। तो इन उपायों को आप करें, और इन उपायों को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें, तो क्योंकि ये बड़ी आम समस्या, बच्चों में, घर में बच्चों को ऐसी जहरीली चीज़ें काटती रहती हैं, तो ये किसी भी प्रकार से यदि कोई भी जहरीली चीज़ काट लेती है तो ये सभी में आप इन उपायों को कर सकते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को, हमारे योग गुरु राजेश यूट्यूब पर भी आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर भी योग गुरु राजेश पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको योग और आयुर्वेद से संबंधित वीडियो मिलती रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।